आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर, आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन, एंड इस तरह की जब मैं भावनाएँ देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे दो चार बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलेजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनस फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने सौ हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की एड करते हैं, क्या इनकी क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की एड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे? ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं, और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता के सबसे पहले, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, अब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे, क्या उसका वो ओनस लेते हैं? जिस तरह की ये जो फिल्में बना रहे हैं, और जहाँ पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपनी धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा, इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर, कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया किसी को, डम बोल दिया किसी को, तो वो ठीक नहीं है।